पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके। साइड कटिंग प्लायर को किस नाम से पहचाना जाता है? तोता प्लायर के नाम से, या एडजस्टेबल प्लायर होता है उसके नाम से, या निपर से, या नोज प्लायर से? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। जो साइड कटिंग प्लायर होता है उसको किस नाम से पहचाना जाता है? हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी निपर के नाम से पहचाना जाता है, या निपर बोला जाता है इसको। कई बार निपर भी लिखा हुआ आता है साइड कटिंग प्लायर की जगह पे। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर केबल की धारा वहन क्षमता की जांच करनी हो तो क्या करना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन। केबल की धारा वहन क्षमता की जांच करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए जल्दी से बता दीजिए। बार धारा को 1.5 गुना बार पर 4 घंटे तक चलाकर, या पूर्ण बार धारा को 4 घंटे तक चलाकर, या 0.5 पूर्ण बार धारा को 8 घंटे तक चलाकर, या सामान्य बार धारा पर 2 मिनट तक चलाकर? कौन सा आंसर होगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको आंसर इसका। यानी इसमें पूछा गया केबल की जो धारा वहन क्षमता की जांच करनी है तो क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं हम केबल की धारा वहन क्षमता की जांच नियमों के अनुसार? हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बार धारा को 1.5 गुना बार पर, यानी जो लोड करंट होती है उसका 1.5 गुना कर देंगे। जैसे मान लो 10 एम्पियर होती है तो उसको हम 15 एम्पियर कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे उस करंट को, 15 एम्पियर करंट को 4 घंटे तक चलाकर देखेंगे, 4 घंटे तक चलाकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस केबल की धारा वहन क्षमता का, क्या वो धारा को वहन कर पाती है या नहीं कर पाती। यानी इसी प्रकार से इसकी जांच की जाती है, यानी बार धारा को 1.5 गुना बार पर 4 घंटे तक चलाकर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रिशियन के शोल्डर में टिन और लेड के संयोजन का किस अनुपात में प्रयोग होता है? यानी एक इलेक्ट्रिशियन है कोई भी, जैसे मान लो आपने आईटी कर रखी है, अगर आपको नॉर्मल कोई कार्य करना है तो उसके लिए आप कौन सा सोल्डर उपयोग में लेंगे, उसके अंदर अनुपात कितना होगा लेड और टीन का, ये आपको बताना है। यानी जो सभी कार्यों में उपयोगी होता है, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर बताएं। हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी टीन 60% होना चाहिए और जो लेड है वो 40% होना चाहिए, आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। जो केबलों में कंडक्टर्स की इंसुलेशन की परत की मोटाई होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? करंट वहन क्षमता पर करती है, या वोल्टेज पर, या पावर फैक्टर पर, या रिएक्टिव पावर पर? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। केबलों में कंडक्टर की इंसुलेशन की जो परत की मोटाई होती है वो किस पर निर्भर करती है? हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वोल्टेज पर निर्भर करती है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लोहे चुंबकीय पदार्थ जिसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ को क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, तो उसकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? लोहा निकल, या एल्यूमिनियम पीतल, या तांबा चांदी, या लेड और स्टेनलेस स्टील? कौन सा आंसर होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं। मैं आपको इन सभी के बारे में समझाऊंगा, एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लोहा चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं यह पूछा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। जैसा भी आता है वैसा ही टाइप कर दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लोहा और निकल दोनों फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। समचुंबकीय पदार्थों के अंदर कौन कौन से आते हैं? समचुंबकीय को क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक। तो इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं जल्दी से बता दीजिए। तांबा चांदी सोना, या लोहे निकल कोबाल्ट, या एल्यूमिनियम प्लेटिनम, और मैग्नीशियम, या टंगस्टन? कौन सा आंसर होगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। समचुंबकीय या पारामैग्नेटिक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं?
हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और मैग्नीशियम, ये तीन प्रकार के पदार्थ आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब पूछा गया विषम चुंबकीय पदार्थ, यानी जिसको डायमैग्नेटिक बोला जाता है, तो विषम चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा क्या होते हैं, यानी परिभाषा दी गई है, सबसे अधिक आकर्षित होते हैं या थोड़े आकर्षित होते हैं या बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते या निर्वात में चुंबकीय होते हैं, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। विषम चुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन से होते हैं जो चुंबक के द्वारा क्या होता है उसके अंदर, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं डायमैग्नेटिक पदार्थ, ये आपको याद रखना है। जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कुछ ना कुछ आकर्षित होते हैं लेकिन उतने भी नहीं होते जितने फेरामैग्नेटिक होते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ चुंबकीय पदार्थों के बारे में। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिसको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है, यानी पदार्थों की वह श्रेणी जो चुंबक के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, यानी अपनी ओर खींचती है या दूर धकेलती है, उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित बोला जाता है, उसे चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है या चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। तो इनको तीन भागों में या तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तीन श्रेणी कौन कौन सी होती है, एक होती है फेरोमैग्नेटिक, एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है डायमैग्नेटिक। हाँ तो दोस्तों पहला है लोहे चुंबकीय पदार्थ, जिसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण बहुत अधिक होते हैं, यानी जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण सबसे ज़्यादा होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, और इन्हें सरलता से चुंबक बनाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा चुंबकशीलता किसकी होती है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की या लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो उनके अंदर आ जाते हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात हो गया यहाँ पे, और इनसे बनी मिश्र धातुएं, ये इसी श्रेणी में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा आप सभी को लोहे चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर, सम चुंबकीय पदार्थ, जिसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। तो सम चुंबकीय पदार्थ वे होती हैं जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण कम होते हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक से कम होते हैं, वे सम चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ भी बोला जाता है इनको। कई बार सम चुंबकीय पदार्थ की जगह पे अनुचुंबकीय पदार्थ भी लिखा हुआ आता है, तो इसको अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं, यानी इनके अंदर गुण कम होते हैं। और इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो इकाई से थोड़ी अधिक होती है, और इन्हें बहुत मामूली रूप से चुंबकित किया जा सकता है, यानी मामूली से चुंबकित किया जाता है या अपने ओर आकर्षित किया जाता है। और इन पदार्थों में एल्यूमिनियम आ जाते हैं, प्लेटिनम, टाइटेनियम, क्राउन ग्लास, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि पदार्थ होते हैं, यानी ये सभी पदार्थ आते हैं। आपको इन पदार्थों के बारे में याद रखना है कौन कौन से पदार्थ कौन सी श्रेणी में आते हैं। अगला तीसरा होता है दोस्तों विषम चुंबकीय, जिसको डायमैग्नेटिक बोला जाता है। तो विषम चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक, जो पदार्थ बिल्कुल भी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, प्रतिचुंबकीय या विषम चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकशीलता होती है वो इकाई से कम होती है, ये पदार्थ चुंबक से आकर्षित ही नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी, कागज वगैरह हो गए। समझ में आ गया होगा आप सभी को ये सभी के सभी पदार्थ, तीनों श्रेणियां, तो याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसके आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके कौन सा होगा। फ्लक्स घनत्व का चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य से पीछे रहना क्या कहलाता है, जैसे मान लो फ्लक्स घनत्व है वो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य से पीछे रह जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे अपनी लैंग्वेज में, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जल्दी से बता दीजिए। हिस्टेरिसिस, घनत्व या ड्रेन या लीडिंग, कौन सा आंसर होगा, हाँ तो दोस्तों इसका आंसर देगा ए, यानी इसको हिस्टेरिसिस बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई एसआई पद्धति में क्या होती है, यानी यहाँ पे पद्धति का आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर अगर एग्जाम में आप एग्जाम कर रहे हैं तो। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वेयर या वेबर प्रति मीटर की क्यूब या वेबर प्रति मीटर या वेबर माइनस मीटर, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है,
हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, आपको याद रखना है इस इकाई के बारे में। तो इसका ए आंसर हो जाएगा राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार चक्कर में डाल देता है कैंडिडेट्स को। चुंबकीय फ्लक्स गंतव्य की CGS पद्धति में इकाई क्या होती है, यानी पिछले क्वेश्चन में 9 नंबर में मैंने पूछा था SI इकाई क्या होती है, यहाँ पे पूछा गया है CGS इकाई क्या होती है। आपको इस पद्धति में इकाई बतानी है क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स गंतव्य की। तो दोस्तों अलग अलग प्रणालियाँ बनी होती है हर देशों के अंदर, जैसे मान लो भारत के अंदर MKS प्रणाली लागू है, जो ब्रिटेन वगैरह वो देश हो गए, आयरलैंड, वहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली लागू होती है। हम वजन को किलोग्राम में मापते हैं और वो वजन को पौंड में मापते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग प्रणालियाँ होती है इसकी। चुंबकीय फ्लक्स गंतव्य की CGS पद्धति में इकाई क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गास या न्यूटन प्रति मीटर या मैक्सवेल, कौन सा आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स गंतव्य की CGS पद्धति में इकाई क्या होती है, SI पद्धति में तो इसकी मैंने बता दिया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, क्या CGS पद्धति में भी यही होती है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गॉस होती है, इसको गॉस भी बोल सकते हैं। यानी बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे CGS प्रणाली के बारे में पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम द्वारा, या फ्लेमिंग का जो दायां हस्त नियम होता है उसके द्वारा, या जो कोरक स्क्रू का नियम होता है उसके द्वारा, या जो दायां हस्त अंगूठा नियम होता है उसके द्वारा। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं, अंत में शेयर जरूर करना सभी, मैं आपसे इसे निवेदन करता हूँ। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम द्वारा हमेशा कुंडली में धारा की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बता देता हूँ आप सभी को मैं फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा इसको। यानी फ्लेमिंग का बाया हस्त नियम, जिसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है, तो ये क्या कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित विद्युत धारावाही चालक में पैदा होने वाले घुमाव बल, जिसको टोरक बोला जाता है, तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया था जो कि फ्लेमिंग का बाया हस्त नियम कहलाता है। तो नियम इस प्रकार है, नियम को ध्यान से देखिएगा, यदि बाएँ हाथ की प्रथम दो उंगलियाँ तथा अंगूठे को परस्पर समकोण, यानी तीनों के बीच समकोण बनना चाहिए, तो बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की जो दूसरी उंगली होती है वो चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, और अंगूठे के बारे में बताया गया है, यानी पहली उंगली होती है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बीच की जो दूसरी उंगली होती है वो चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे, और अंगूठा होता है वो चालक की घुमाव दिशा को इंगित करे। यानी उपरोक्त जो नियम है वो इस प्रकार याद किया जा सकता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो फोर फिंगर होता है, जो पहली उंगली होती है वो तो फ्लक्स की दिशा को इंगित करती है, और मिडल फिंगर जिसको मध्यमा बोला जाता है वो करंट को और EMF दोनों को करती है, अंगूठा जो कि मोशन को करता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप सभी को, डायग्राम देख लीजिए। तो ये है नियम। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा, कोर में हिस्टेरेसिस हानि न्यूनतम की जा सकती है, ये भी DMRC में पूछा जा गया है। अच्छी गुणवत्ता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग करके, या कोर को लेमिनेटेड करके, या अच्छी गुणवत्ता वाला चालक पदार्थ प्रयोग करके, या अच्छी गुणवत्ता वाला रोधन पदार्थ प्रयोग करके, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। कोर में हिस्टेरेसिस हानि न्यूनतम कैसे की जा सकती है, हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कोर में हिस्टेरेसिस हानि को न्यूनतम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग करना चाहिए, यानी ए आंसर होगा इसका राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है। हिस्टेरेसिस हानि वे होती है जो लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित, यानी आकर्षित
और प्रतिकर्षित होने से विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसी को हिस्टेरेसिस हानि या हिस्टेरेसिस क्षति बोला जाता है। समझ में आ गया होगा हिस्टेरेसिस हानियाँ क्या होती है, यानी लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से जो विद्युत पावर की या इलेक्ट्रिक पावर की जो खपत होती है उसी को हिस्टेरेसिस क्षति या हिस्टेरेसिस लॉस बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पद्धति में ठोस कोण को किसमें मापा जाता है, यानी कोण को किसमें मापा जाता है, ऐसा ही पद्धति में पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए, डिग्री में, रेडियन में या स्टेरेडियन में या मीटर में। ऐसा ही पद्धति में ठोस कोण को किसमें मापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी ऐसा ही पद्धति की बात की गई है। ऐसा ही पद्धति के अंदर हमेशा जो कोण होता है उसको स्टेरेडियन में मापा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। और एम के एस पद्धति में डिग्री में, हम कोण को डिग्री में मापते हैं, जैसे मान लो 180 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, यानी डिग्री में मापते हैं। उसी प्रकार ऐसा ही पद्धति में इस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है, यानी सी आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पद्धति में प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है, यहाँ पर भी ऐसा ही पद्धति लागू है, तो लक्स, कैंडला, फोटॉन्स या सेकंड, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। ऐसा ही पद्धति में प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को जैसा भी आंसर बताए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, यानी कैंडला होती है, आपको याद रखना है ऐसा ही पद्धति में प्रकाश तीव्रता की इकाई। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा, जो ब्रिटानिया जोड़ होता है उसको किसमें उपयोग किया जाता है, ओएच लाइन में, भूमिगत केबल्स में, कंड्यूट वेस्टर्न में या शक्ति वेस्टर्न में। ओएच का मतलब हो गया ओवर हेड लाइन, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर बताए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जो ब्रिटानिया जोड़ होता है उसका उपयोग ओवर हेड लाइनों में किया जाता है तारों को जोड़ने के लिए।